हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्रिस्पर कैस नाइन। क्रिस्पर एक जीन है, कैस नाइन एक प्रोटीन है। ये क्रिस्पर जीन कैस नाइन इसका एक कॉम्प्लेक्स होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में, आर्की में, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्पर होता क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होते हैं। मीन्स आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक क्रिस्पर डीएनए है जिसमें कि यहाँ पे क्रिस्पर जीन पाए जा रहे हैं। ये इंटर स्पेस्ड होते हैं, यहाँ पे देखिए इंटर स्पेस में स्पेसर डीएनए होता है, और ये हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। यहाँ इसमें कैस जीन होते हैं जो कैस प्रोटीन बनाते हैं, कैस वन, कैस टू, कैस नाइन, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्लीवेज में हेल्प करता है। और ये ट्रेसर डीएनए जो ट्रेसर आरएनए बनाता है, और जो कि कंबाइन होता है कैस प्रोटीन के साथ और क्रिस्पर आरएनए के साथ। दीज सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने कहा बैक्टीरिया में या आर्की में पाया जाता है। अब इसका यूज़ क्या होता है? ठीक है, ये तो वो इंटर स्पेस्ड सीक्वेंस हैं जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, अब इनका यूज़ क्या है? जब भी कोई भी बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो अपना क्या क्या जीनोम इंसर्ट करेगा बैक्टीरियल सेल में। तो उस जीनोम का क्या करती है बैक्टीरिया, जो ये क्रिस्पर डीएनए है और उसमें ये जो कैस जीन्स हैं, ये कैस जीन्स कैस प्रोटीन बनाती हैं, कैस वन टू। तो वन और टू का काम क्या होता है? एज अ न्यूक्लियस काम करते हैं, मतलब जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सीक्वेंसेस हैं डीएनए के, उनको क्लीव कर देगा। इसने इस जीनोम को क्लीव कर दिया दो पार्ट में, इसका एक पार्ट जाके इस क्रिस्पर सीक्वेंस में इंसर्ट हो जाता है एज अ मेमोरी बैक्टीरिया के लिए। अब ये इंसर्ट हो गया, देन क्या करेगा हमारा बैक्टीरिया? इस डीएनए से आरएनए बनवाएगा, वो हमारा क्रिस्पर आरएनए होता है। इस क्रिस्पर आरएनए में इस जो वायरल जीनोम है, बैक्टीरियोफेज का जीनोम है, उसके अगेंस्ट भी आरएनए है, तो इसे हम क्रिस्पर आरएनए कह रहे हैं। फिर क्या होता है, इस क्रिस्पर आरएनए से अगर बैक्टीरियोफेज ए का भी है इसमें जीनोम, बी का भी है, सपोज दैट किसी सी का भी है, तो क्या अलग अलग वायरल जीनोम के अलग अलग क्रिस्पर आरएनए बनते हैं? ए का अलग बनेगा, बी का अलग बनेगा, सी का अलग बनेगा। तो नेक्स्ट टाइम सेम वायरस बैक्टीरियोफेज ए ने अटैक किया बैक्टीरिया पे, तो जब वो अपना जीनोम इंसर्ट करेगा इस बैक्टीरिया में, तो कैस नाइन प्रोटीन, ट्रेसर आरएनए, क्रिस्पर आरएनए। ट्रेसर आरएनए हमारा कहाँ से बनता है? ट्रेसर डीएनए से बनता है। ट्रेसर आरएनए हेल्प करता है बाइंडिंग में, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है क्रिस्पर आरएनए, ट्रेसर आरएनए, कैस नाइन प्रोटीन, ये हेल्प करते हैं, ये जीनोम जब एंटर करेगा बैक्टीरियोफेज ए का, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के अगेंस्ट जाके बाइंड कर जाएंगे और फिर उस डीएनए को क्लीव कर देंगे। ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म बैक्टीरिया का, और ये हर एक बैक्टीरियोफेज के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका जीनोम आके इस क्रिस्पर डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा। ये एक एडेप्टिव इम्यूनिटी है बैक्टीरिया में। इसका यूज़ आजकल डिजीज़ कॉजिंग जीन्स को रिमूव करने के लिए भी हो रहा है। मींस अगर हमें कोई डिजीज़ कॉजिंग जीन्स की सीक्वेंस नोन है, अगर हमें इसकी सीक्वेंस नोन है, तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट हम कैस नाइन क्रिस्पर आरएनए कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करेंगे, और फिर वो जाके उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड कर जाएगा और फिर उस पार्ट को क्लीव कर देगा, और क्लीव कर देगा तो उसके बाद जो डैमेज डीएनए होगा या ब्रेक डीएनए हमें मिलेगा, उसको हम NHEJ नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के थ्रू वो ज्वाइन कर जाएगा। ये एरर प्रोन मैकेनिज्म है जिसमें एरर्स आ सकते हैं, लेकिन ये एरर आएगा, जाहिर सी बात है सेम न्यूक्लियोटाइड तो ऐड होगा नहीं, लेकिन ये जो डिजीज़ रीज़न है,
जो डिजीज़ कॉजिंग जीन है वो तो हट गया, तो अब वो डिजीज़ तो नहीं कॉज करेगा। इस तरीके से हम कोई भी डिजीज़ कॉजिंग जीन को रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद हम उस डीएनए को ज्वाइन कर सकते हैं एनएचईजे के थ्रू, नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग के थ्रू वो ज्वाइन हो जाएगा। ये एक तरीका है जो आजकल बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे हम ये कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमें किसी डिजीज़ की सीक्वेंस नोन है। सबसे ज़्यादा तो वो इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो डीएनए सीक्वेंसेस है उसको पता करना, उस वो पता चल जाएगा, हम कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर कर लेंगे और फिर हम उस जीन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इसके टाइप्स भी होते हैं, टाइप वन में क्या होता है, इसमें कैस सिक्स प्रोटीन होता है, कैस नाइन नहीं होता। तो हमारा कैस सिक्स प्रोटीन क्रिस्पर आरएनए के साथ बाइंड करता है और फिर डीएनए डिग्रेडेशन में कैस थ्री प्रोटीन हेल्प करता है। टाइप टू में क्या होता है, हमारा क्रिस्पर आरएनए, ट्रेसर आरएनए, कैस नाइन इनका कॉम्प्लेक्स बनता है और ये डीएनए को डिग्रेड करते हैं। टाइप थ्री में हमारा क्या होता है कि इसमें कैस सिक्स प्रोटीन इसमें भी होता है, लाइक टाइप वन की तरह क्रिस्पर आरएनए से बाइंड करता है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन होती है कैस सिक्स वो टू टाइप्स की हो सकती है, एक सीएसएम हुआ तो वो हमारा टारगेट डीएनए को डिग्रेड करेगा, लेकिन अगर हमारा सीएमआर हुआ तो वो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डिग्रेड करेगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं हर एक बैक्टीरियोफेज के पास डीएनए ही हो, उसके पास आरएनए भी हो सकता है। तो अगर उसके पास आरएनए होगा तो वो सीएमआर प्रोटीन का यूज़ करेगा और डिग्रेड करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनको पता चल सके क्रिस्पर जीन क्या होता है, क्रिस्पर कैस9 मैकेनिज्म कैसे हो रही है। थैंक यू सो मच।